गाइस मैं आपके साथ सदफ और आप देख रहे हैं डेली लाइफस्टाइल। एंड गाइस आज मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ हैंडमेड वर्ल्ड में, जहाँ आप देखेंगे डिफरेंट आर्ट एंड क्राफ्ट। सो हम लोग सोचते हैं कि हम अपने घर में क्या कुछ डेकोरेशन करें, सो यहाँ पर आपको देखिएगा डेकोरेशन से भरा कुछ ऐसा सामान जिसे देखकर आप आने वाले हैं हैंडमेड वर्ल्ड में। तो चलिए और देखते हैं यहाँ है क्या कुछ खास। आपका नाम? दीपाली। ये जितना मटेरियल है आपका, ये किस चीज़ में ज़्यादा यूज़ होता है? द थिंग यू आर सीइंग है, ये आपका प्रॉपरली बैल्कनी मेकओवर थिंग्स में आपका जाएगा। सी लाइक यू कैन सी लाइक दिस, इट्स अ प्लांटर फॉर द हैंगिंग प्लांटर। आप इसमें प्लांट्स रख सकते हैं अपना, एंड कुछ डेकोरेटिव पार्ट्स के फॉर द वॉल एरिया, द हैंग एरिया, यू कैन पुट इट आउट दिस लाइक दिस। सो ये गैलरी के लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप गैलरी भी यूज करते हैं। सो दैट्स वेरी नाइस एंड यूनिक। ओके सो एंड देन व्हाट इज दिस? एंटीक टी लाइट होल्डर्स। ये किस लिए यूज होता है? ये हैंग पर्पस के लिए, एंड बालकनी में आप यूज कर सकते हो, शेड एरिया में आप यूज कर सकते हो इसको। ठीक है एंड देन wow, that's very pretty. You can see it's all about the balcony over things. तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये सब कुछ आप बैल्कनीज में अगर अपनी ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं बालकनी को, एंड सो ये आप आर्ट एंड क्राफ्ट से भरपूर गैलरी को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं अगर आप ये सब चीज़ यूज़ करेंगे, इसे डेकोरेट करेंगे। सो मैम इतने सारे टी लाइट होल्डर्स हैं यहाँ पर, सो ये बेसिकली किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं? फॉर द लाइक आप बेल्कनी में भी रह सकते हो, टेरेस एरिया, टेरेस केसेस, एंड इसमें आप ये देख सकते हो लाइक यू कैन सी, आपको इसमें कैंडल रखना है, एंड कैंडल रख के ये बहुत ही अच्छा शेडो देता है। सो कोई लाइक ओकेजन पे भी हम यूज़ करते हैं? दिवाली पर्पस, द फंक्शंस, आपको ओकेजनली पार्टीज में एंट्रेंस पे यूज़ कर सकते हो इसको। सो इट्स वेरी डिफरेंट एंड शेप बहुत अच्छा है इनका, मिनी भी है, हाई भी है। या सो अगर आप चाहते हैं कि आपको कौन सा कलर चाहिए, लाइक सिल्वर देन गोल्डन, हम इसको तांबा बोलते हैं ना, लाइक तांबा कलर भी बोल सकते हैं, बिकॉज ये काफ़ी डिफरेंट लगता है घर में रखने के बाद। सो ये हैं आपके ओकेजन्स या फिर पार्टी, डिफरेंट पार्टीज एंड फंक्शंस भी आप ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है इससे घर। सो ये बेड किस लिए यूज़ होता है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मतलब कहते क्या हैं? इसको डे बेड बोलते हैं, एंड ये लाइक टेरेस पे यूज़ होता है, एंड टेरेस पे यूज़ किया जाता है देन? टेरेस पे, गार्डन में, एंड लाइक कॉर्पोरेट एरियाज में भी यूज़ होता है। एंड यू कैन सी इसके पीछे कोई बैठा है एंड आपका कुछ बात चल रही है, तो हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज इसके नीचे कुछ व्हील्स लगी हैं, तो उस व्हील्स के सपोर्ट से हम इसको रोटेट करके ईजिली हम अपनी कम्युनिकेशंस बात कर सकते हैं। सो दैट्स वेरी कूल एंड किड्स के लिए ये बहुत अच्छा है अगर वो इवनिंग में बाहर टेरिस पे बैठना चाहते हैं, गपशप करना चाहते हैं, सो उनके लिए इज बेटर, ये बेस्ट प्लेस है, इट्स वेरी कम्फर्टेबल। देखते हैं आगे क्या कुछ खास है।
ये फर्नीचर कुछ डिफरेंट है, सो ये किस लिए यूज होता है एंड किस चीज का मतलब लाइक है ये, कौन से मटेरियल? या इट्स अ विकर फर्नीचर. आप इन लेमैन लैंग्वेज यू कैन से इट्स अ हाई क्वालिटी प्लास्टिक, बिकॉज ये बिल्कुल आउटडोर्स के लिए मेंट किया गया है. हम टेरेस पे रख सकते हैं इसको एंड गार्डन्स में रख सकते हैं एंड कुछ ओकेजनली वे में हम इसको पुट कर सकते हैं. सो ये टेरेस के लिए भी बेटर है एंड विकर फर्नीचर, राइट? इट्स वेरी लाइक प्लास्टिक, यू नो, सो प्लास्टिक से काफ़ी मैचअप है एंड डिफरेंट है थोड़ा सा, यू नो, हार्ड. सो इसमें क्या मटेरियल यूज हुआ है? लाइक ये काफ़ी मुझे यू नो कपड़ा टाइप लग रहा है. सो लाइक स्टूल है ना? ये स्टूल्स है, हम लाइक सोफा सेटिंग के साथ इनको लाइक पफ्स और द स्टूल्स यू कैन से एंड इट्स लाइक ऑलिफन फैब्रिक. इट्स मेंट फॉर द आउटडोर्स. ओके, लाइक यू नो कहते हैं ना कि घर अंदर से जब खूबसूरत लगता है, जब बाहर से लगे, देन अगर आप अपनी बालकनी, टेरेस सब चीज़ों का अच्छा रखते हैं एंड ये सब चीज़ें अगर आप रखेंगे तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा घर. सो हमने अभी इतना सारा कलेक्शंस देखा एंड हम देखने वाले हैं चेयर. सो ये चेयर में तो काफ़ी डिफरेंट लग रहा है मुझे, प्लास्टिक एंड ऑल दैट. सो इसमें क्या यूज़ किया है? सेम मटेरियल यू आर सीइंग, इट्स अ विकर मटेरियल. विकर मटेरियल, ऑल ओके. इट्स ऑल मेड अप ऑफ द विकर एंड यू कैन से इट्स स्पेशली मेंट फॉर द आउटडोर्स. एंड ये आप जो सेटिंग्स देख रहे हैं, ये बार सेट बोला जाता है इसको एंड लाइक बार काउंटर्स के आगे एंड like cocktails, your drinks, you can sit over here and just take a movement. Yeah. Okay. तो ये देख रहे हैं आप, काफ़ी डिफरेंट बेल है. यू नो हम लोग सिंपल बेल यूज़ करते हैं. सो सिंपल बेल्स भी हैं, लेकिन अगर आपके घर में फंक्शन है या फिर कुछ भी लाइक फेस्टिवल आ जाता है, सो आप इस टाइप की बेल्स डाल सकते हैं. इट्स वेरी प्रिटी, इट्स वेरी यू नो कहते हैं ना, बहुत प्यारा लग रहा है. वाओ, यू नो मेरे मुंह से वाओ क्यों निकल रहा है, बिकॉज हम हमेशा देखते हैं कि हम लोग थाली सिर्फ डिफरेंट चीज़ों में यूज़ करते हैं लाइक खाना एंड ऑल दैट. लेकिन यहाँ आप अगर देख रहे हैं, इस थाली में एक यू नो टूल टेबल है लाइक पूरा. देन आप अगर आपका बेड है देन उसके साइड में आप रख सकते हैं. पूरा ये थाली के अकॉर्डिंग बना हुआ है एंड पूरा इसको एक स्टूल की तरह दर्शाया गया मैं कहूँगी. एंड आप इसमें बॉटल्स रख सकते हैं एंड मैगजीन्स भी रख सकते हैं, काफ़ी कुछ अगर आप अपनी साइड बेड के पास रखते हैं या फिर सोफ़ा पर, सोफ़ा साइड में. सो इस तरीके से आप इसको डेकोरेट करके सजा कर रख सकते हैं एंड अगर आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो बहुत अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा आपका. अभी हमारे साथ मौजूद हैं आदर्श मिश्रा एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत स्वागत है आपका दाली लाइफ स्टाइल में. तो सर जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सभी लोग अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए काफ़ी परेशान रहते हैं कि भाई डेकोरेट कैसे करें. सो आपके पास ऐसा क्या है कि लोग यहीं पर आएँ? हम लोग तो चाहते हैं कि हर चीज़ जो हम लोग यहाँ पर बेच रहे हैं वो सब कुछ आउटडोर से रिलेटेड है, तो हम लोगों को वी वॉन्ट कि वो लोग अपने आउटडोर को सजाएँ, बैल्कनी हो जाए, टेरेस हो जाए, आउटडोर पैटियोज हो जाए, बैकयार्ड हो जाए, एंट्री हो जाए, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू आउटडोर हम वो सजाते हैं उनके लिए. वो कहते भी है ना कि बाहर से लाइक सुंदर दिखना चाहिए चाहे अंदर से कैसे भी हो. सो यही कुछ यहाँ का नज़ारा है. अगर अपनी गैलरी को अच्छा रखना चाहते हैं टेरेस को, सो ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ हैंडमेड वर्ल्ड में मौजूद हैं जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे और कहेंगे कि भाई हमें यहीं आना है. तो सर ये जो आपका जितना भी मटेरियल है कहाँ से आता है? हम लोग ये दो तीन जगह से इंपोर्ट करते हैं. एक जर्मनी से आ रहा है हमारा फर्नीचर, हमारा फर्नीचर थाईलैंड से भी आ रहा है. हमारा रॉ मटेरियल जर्मनी, इंडोनेशिया से आ रहा है एंड हम लोग हैंड वीव यहीं करते हैं. जैसा हमारा हैंड नाम है हैंडमेड वर्ल्ड, तो हमारा जितना भी प्रोडक्ट है
99% product is handmade, handcrafted, hand woven. कुछ stocks या फिर कुछ materials आपके खुद इंडिया में कुछ बनता है? हमारा बहुत फर्नीचर इंडिया में बनता है, कस्टमाइज करते हैं हम. रॉ मटेरियल हम जर्मनी से और इंडोनेशिया से मंगाते हैं, और आर्किटेक्ट्स के लिए, इंटीरियर डिजाइनर्स के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए हम कस्टमाइज करते हैं उनको. फर्नीचर इज मेंट फॉर आउटडोर्स, तो ये आप आउटडोर में पानी में रख दीजिए, धूप में रख दीजिए, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा. हम 5 साल की गारंटी वारंटी देते हैं कपड़े फर्नीचर के लिए, कि आप जितना मर्जी पानी में छोड़ दीजिए या जितने मर्जी धूप में छोड़ दीजिए, ये फर्नीचर को कुछ भी नहीं होगा, ना टूटेगा, ना क्रैक होगा, ना पिघलेगा. इसलिए आप इसी का यूज़ करें. हाँ, तो ये आउटडोर्स, क्योंकि हम आउटडोर स्पेशलिटी स्टोर हैं, तो आउटडोर ज़्यादातर विकर एंड रैटन यूज़ होता है, तो इसलिए रैटन विकर यूज़ करते हैं. और जैसे कि डेकोरेशन की स्टील्स मेटल का यूज़ आपने किया हुआ है, उसमें क्या कुछ खास? रॉ मटेरियल जैसे बहुत आउटडोर डेकोर बनता है, आउटडोर डेकोर के लिए मेटल भी यूज़ करते हैं हम, एल्यूमिनियम भी यूज़ करते हैं हम, उसमें वुड भी यूज़ करते हैं, बट एवरीथिंग इज ट्रीटेड फॉर आउटडोर, फॉर वाटर, फॉर सन, एवरीथिंग इज बीन ट्रीटेड फॉर दैट. आप दर्शकों को कुछ कहना चाहते हैं कि वो यहीं पर ही आएं और अपना आउटडोर फर्नीचर को और भी खूबसूरत बनाएं अपने घर को? मैं तो लोगों को यही कहूँगा कि भाई अपने घर को जितने अच्छी तरह सजाते हैं वो इतना अपने आउटडोर को भी सजाएं, क्योंकि एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लिव योर लाइफ आउटडोर ऑल्सो. एंड प्लीज़ कम एंड विजिट हैंडमेड वर्ल्ड, वेयर यू विल गेट एवरीथिंग रिलेटेड टू आउटडोर. सो गाइस, देखा आपने हैंडमेड वर्ल्ड में इतना कुछ खास है कि मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर ही जाऊँ, क्योंकि घर को खूबसूरत बनाना भी तो ज़रूरी होता है. सो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी टेरेस और गैलरी खूबसूरत लगे, तो आपको हैंडमेड वर्ल्ड का रुख करना ही होगा. और अगर सेफ चाहते हैं, तो आपको विकर फर्नीचर का यूज़ करना होगा, बिकॉज इट्स सेफ. कहते हैं ना कि धूप और बारिश से लकड़ी ख़राब हो जाती है, लेकिन विकर फर्नीचर हमेशा आपका साथ देगा. फिर मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपके लिए लाऊंगी कुछ नया और खास. अभी के लिए इजाजत चाहती हूँ, देखते रहिए दिल्ली लाइफस्टाइल.